नमस्कार, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरे चैनल संजूस होम किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल चीज़ मैगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चीज़ मैगी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड तेल गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा हम इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। हम इसमें 3 से 4 कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और प्याज को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। अब हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ा सा प्याज के साथ सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, गाजर, ग्रीन मटर, शिमला मिर्च, और ये थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। अब हम सभी चीजों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। सब्जियों को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 3 मिनट तक हाई फ्लेम में हम इसको से चला लेंगे। यहाँ पे मैं 6 पैकेट मैगी बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने सब्जियाँ लिया है। आप जितनी पैकेट मैगी बनाएंगे उसी हिसाब से सब्जियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को काट के रखा है, उसको डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अब अपने स्वाद के हिसाब से डालें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा हम मिक्स्ड हर्ब डालेंगे, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। यहाँ पे 6 पैकेट मैगी मसाला को पैकेट से निकाल के रख दिया था, अब हम इसको डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हम यहाँ पे 4 ग्लास तक पानी डालेंगे। हम इसको 5 से 7 मिनट बॉईल कर देंगे। ये बॉईल्ड हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 6 पैकेट मैगी लिया है, इसको डाल देंगे। अब हम मैगी को पका लेंगे। अब हम मैगी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक ये मैगी पक नहीं जाता। यहाँ पे मैंने चीज़ को ग्रेट करके रखा था, उसको डालेंगे। चीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें, जितना आपको पसंद है आप उतना डालें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारा चीज़ मैगी बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अब हमारा गर्मा गर्म चीज़ मैगी बन के रेडी है।